वेलकम बैक यस्टरडे विद कलीम। आपका यस्टरडे विद कलीम में फिर से स्वागत है। आज है 25 सितंबर 2018 और 24-25 तारीख के जो भी वेरी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है जिनको एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपको पता होगा 130वां स्थान मिला है। हाल ही में विश्व के प्राचीनतम प्राणी की पुष्टि की गई है तो वो डिकिनोसोनिया प्राचीनतम प्राणी की पुष्टि की गई है जो कि बहुत ही पुराना प्राणी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो OPHI द्वारा जारी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2018 के अनुसार किस देश में सबसे अधिक गरीब जीवन यापन कर रहे हैं? तो है हमारा भारत। और ये है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2018। ये सिर्फ पैसे के आधार पे नहीं चेक किया जाता है बल्कि इसमें 10 चीज़ों को देखा जाता है कि वहाँ पे क्या है, जैसे स्वास्थ्य है, आवास, बेरोज़गारी, इन सब चीज़ों को देख करके इसका निकाला जाता है कि वहाँ पे कितनी गरीबी है। तो भारत में है, यूपी सरकार ने वनतंगिया समुदाय के कितने गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिया है? तो वो 23 गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दे दिया है। हाल ही में 12 वर्षों बाद किलेन नील कोरिंजी का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो मुन्नार केरल से संबंधित है। किस राज्य में 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है? ये कल भी मैंने बताया था, तो वो असम में मनाया जाता है। आज पीएम मोदी द्वारा यानी कल का ये है न्यूज़, पोक्योंग एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। यह किस राज्य का पहला हवाई अड्डा था? तो यह है सिक्किम का पहला हवाई अड्डा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है? तो वह झारखंड में रांची में शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इन के बारे में तो कल ही मैंने बताया था, ये अनिल कुमार चौधरी और सेल का ये फुल फॉर्म हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और सीईओ जो नए सीईओ है सेल का वो है प्रकाश। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो वो तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला स्वदेशी निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया जा रहा है। मालदीव का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है, ये इम्पोर्टेंट होगा। तो ये कल भी मैंने बताया था, आज भी सोचा बता दूं, ये इब्राहिम मोहम्मद सोलेह जिन्हें मालदीव का नया राष्ट्रपति चुना गया है। किस देश की एजेंसी जाक्सा ने पहली बार किसी क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड की सतह पर 2 रोवर उतारकर नया कीर्तिमान रच दिया है? तो वो जापान ने पहली बार क्षुद्र ग्रह पर एस्टेरॉयड की तरफ 2 रोवर उतारकर नया कीर्तिमान रचा है। दोहा में एशियाई टीम स्कूनर चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है?
दोहा में एशियाई टीम स्कॉन चैंपियनशिप में भारत ने सिल्वर पदक जीता है। महाबीज 2018 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो यह दुबई में होगा, इसे मैंने कल ही बताया था। स्मार्ट ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम EPDS को लागू करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य कौन बना? तो वो अरुणाचल प्रदेश है जो पहला राज्य बना है। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य शिक्षा नीति 2018 के अंतिम मसौदे को मंजूरी दी है? तो वह है मेघालय, जिसने मंजूरी दे दी है। नरोपा महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो नरोपा महोत्सव लद्दाख में मनाया जाएगा। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने हाल ही में किस देश की एंटी डोपिंग एजेंसी से अपना प्रतिबंध हटा दिया है? तो वो रूस ने, रूस से अपना प्रतिबंध हटा दिया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर CPEP से जुड़ने वाला तीसरा देश कौन सा बना है? तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये जरूर आएगा। तो यह सऊदी अरब तीसरा जुड़ने, ये दूसरा जुड़ने वाला देश बना है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस जगह पर तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की है? तो श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की है। रेप के मामले की बढ़ोतरी को देखते हुए किस देश ने वयस्क सामग्री वाली वेबसाइट, एडल्ट वेबसाइट को प्रतिबंधित किया है? तो वो है नेपाल, जिसने एडल्ट वेबसाइट को प्रतिबंधित किया है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त को कोचिंग देने वाले कोच का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम बताएं? तो उनका नाम है यशवीर सिंह, जिनका निधन हो गया है। ओडिशा ललित कला अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है सुदर्शन पटनायक, जिनको ललित कला अकादमी का नया अध्यक्ष चुना गया है। RBI ने हाल ही में किसे अपना गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC संचालित करने की मंजूरी दी है? तो पेई को संचालित करने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के दबाव और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किस मैसेजिंग सर्विस को सर्विस कंपनी ने भारत के लिए शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की है? तो वह है व्हाट्सएप, जिसने शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की है। आपको पता भी होगा कि आप एक बार में आप 5 से अधिक लोगों को मैसेज भी नहीं कर सकते हैं। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व राइनो दिवस मैंने कल ही बताया था, शुरू में बताया था, यह 22 सितंबर को मनाया जाता है। केंद्र सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को RRB की एकीकरण की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। तो RRB की मौजूदा संख्या 56 से घटाकर कितना करने की तैयारी है? तो ये 56 से घटा करके 36 करने की तैयारी है। किस राज्य में हाल ही में वहां की महिला को खतरनाक जीका वायरस के संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? तो वो है राजस्थान में देखा गया है जीका वायरस का पहला संक्रमण, और ये हिंदुस्तान में पहला नहीं है, इससे पहले गुजरात में भी देखा गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे आने वाले एग्ज़ाम में। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने जितने भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे शेयर ज़रूर करें। तो फिर कल मिलते हैं, थैंक्स।